बेकिंग ऑफ बम्बू मटन। शेफ अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोपाल कुशवाहा हुआ। तो मेकिंग करने के लिए पहले इसको हम लोग रफ करेंगे कि मेरा ये पकड़ बना सकें। एक रेती की सहायता से हम इसको रफ करेंगे। अब देख रहे होंगे कि पूरे अच्छे तरीके से ये रफ हो गया है। अब इसको हम लोग रख देंगे। अब उसके बाद मेकिंग पे आएंगे। उसी हिसाब से हम लोग प्याज ले लेंगे, उसके बाद लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, नमक ले लेंगे, धनिया का पत्ता ले लेंगे और ग्रीन हरी मिर्च ले लेंगे। उसके बाद आता है वाइल्ड, ये बाम्बू मसाला है, इसको हम लोग डालेंगे, लेकिन आधा ही डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग मटन ले लेंगे। इसमें कितना मटन जा जाता है एक बार में? साइज के ऊपर है, जो हमारा उसके अंदर आएगा उतना ही हम लेंगे। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है मिश्रण। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा तेल हम लोग फिल कर देंगे और इसमें मटन को डालेंगे। बीच बीच में, ये फिजिक्स के मेथड पे बनता है, इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, बीच में होल नहीं होनी चाहिए। तो बीच बीच में हम लोग इसको लॉक करेंगे, ये पूरे अच्छे तरीके से बैठ जाए। अभी हमारे पास जगह बहुत है, इसलिए मटन और ले सकते हैं हम लोग। थोड़ी सी प्याज की भी मात्रा बढ़ा लेते हैं। उसको अच्छे तरीके से हम लोग लॉक कर देंगे, जो वाइल है ऊपर की ओर ना रहे। अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। सिर्फ इसको कितना 45 मिनट के अंदर में तैयार हो जाता है। तो इसमें पहले ही होल करेंगे। होल करने के बाद जो ये पार्ट है, ये पार्ट इसको अंदर यहाँ पे डालेंगे। ये डाल दिया हमने और इसके ऊपर ऐसे लॉक करेंगे। डबल पार्ट में भी कर सकते हैं कि जले नहीं, तो यहाँ से हम लोग इसको भी डाल देंगे और ये डबल पार्ट हो गया हमारा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको थोड़ा सा हम ढीला कर लेंगे कि आराम से अंदर में चला जाए। अब इसको अच्छे तरीके से पूरी तरह से कस देंगे कि अंदर का कोई भी लिक्विड इसके अंदर बाहर ना निकले। ये हमारा तैयार हो गया। अब अंगेठी पे जाएगा, ठीक है? हमारा मैप आ चुका है, कोयले पे रख दिया जाएगा। इसका प्राइस कितना होता है बम्बू वाला? क्योंकि बनाना बहुत कठिन होता है, इसलिए 1200 रुपये। और बांस भी मिलना बहुत, पटना में खास करके बहुत ही दिक्कत है। हमारा बम्बू मटन भी तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग उतार देंगे और इसको हम लोग ऊपर की ओर दिशा में रखेंगे। इससे भी जो एयर निकल रहा है, ये एयर ख़त्म हो जाएंगी तब इसको हम लोग खोलेंगे। तो इसको भी अभी हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। 10 मिनट के बाद इसको हम लोग खोलेंगे। हमारा बम्बू मटन तैयार हो चुका है। देख रहे हैं यहाँ से वाष्प भी नहीं निकल रहा है, प्रेशर बिल्कुल दब चुका है। और इसको स्क्रू की सहायता से इसको खोलेंगे। अब इसको हम लोग निकालेंगे। निकालने के लिए इधर से प्रेशर देना पड़ता है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा ग्रेवी बना है हमारा। बिल्कुल फाइनली पटना में बम्बू